फैशन एक्सपो पहली बार लाहौर में लग रहा है और सारे ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं, लोग बहुत खुश हैं, आप क्या कहेंगे? मैं भी बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, आई एम एक्साइटेड टू बी हियर टू मीट एवरीबॉडी एंड आल्सो देयर ओवर 200 ब्रांड्स एंड आई एम रियली रियली एक्साइटेड बिकॉज बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है. देयर टू मेनी ब्रांड्स ओवर हियर एंड दे हैव फैशन शोज एंड मेकओवर्स एंड अ बंच ऑफ एक्टिविटीज, सो आई एम श्योर पीपल आर गोना एंजॉय एंड सीइंग कि कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं, इट्स डेफिनेटली अ सक्सेस. हाँ ये बताइएगा, वैसे भी अब तो गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिलीफ दी है शोबिज़ इंडस्ट्री को, फैशन इंडस्ट्री को, हर तरह के टैक्सेस ख़त्म कर दिए हैं और बहुत ज़्यादा रिलीफ दिया जा रहा है. आपको लगता है कि इससे इंडस्ट्री मज़ीद बूस्ट करेगी? और जब भी कोई ऐसे एडवांटेज होगा तो बूस्ट ज़रूर करेगी एंड आई होप दैट वी ऑल स्टे टुगेदर एज एन इंडस्ट्री एंड एवरीवन जस्ट वर्क्स टू द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री. चूँकि फिल्म इंडस्ट्री में चूँकि फिल्म्स लग रही होती हैं, पब्लिक की सपोर्ट के बगैर कोई भी फिल्म जो है वो कामयाब नहीं हो पाती है, तो आप चूँकि करीब है दोबारा से फिल्म रिलीज़ होने जा रही है, पब्लिक के लिए क्या मैसेज होगा आपका? यही कि फिल्म ज़रूर देखने जाएं, बहुत मेहनत होती है फिल्म्स बनाने में, लोगों के पैसे तो लगे होते हैं बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ ब्लड स्वेट एंड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज़ इनटू मेकिंग अ फिल्म और इवन अ ड्रामा, सो स्पेशली अ मूवी बिकॉज वो डिपेंड करता है कि लोगों को एक्चुअली बाहर जाना पड़ता है फिल्म देखने के लिए. So yeah, it'll be good for our industry if people actually go out and support their business. ईद उल अज़हा करीब है, कुर्बानी की ईद है, आपने बकरा खरीद लिया क्या? हाँ जी, घर वालों ने ले लिया. जी जी जी. अच्छा जी.